तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ग्रो ऐप में अपने म्यूचुअल फंड को अपने मोबाइल से कैसे एडिट कर सकते हैं और एडिट करके उसको कैसे स्किप कर सकते हैं SIP डेट को। इस महीने में आप SIP अपनी नहीं कटाना चाह रहे हैं या फिर किसी वजह से नहीं भर पा रहे हैं, तो उसको आप स्किप करके अगले महीने की डेट में कटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप ग्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप डैशबोर्ड साइड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड साइड में जाएंगे। उधर आपकी SIP जो आपने SIP कर रखी है वो दिखाई देंगी। तो इधर आप ऑल SIP पे क्लिक करेंगे, जितनी आपकी SIP हैं वो सारी SIP सामने आ जाएंगी। उसमें से आप किस SIP को स्किप करना चाहते हैं, उसकी डेट आप नेक्स्ट मंथ में आपको उसे कटाना चाहते हैं, तो एक इधर SIP चुन लीजिए। मैं इधर निपोन की SIP स्किप करना चाहता हूँ। नीचे ऑप्शन देखेंगे एडिट SIP, और भी ऑप्शन है पर एडिट SIP पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे। इधर आप देखेंगे कि 7 दिसंबर को आपकी SIP कटनी थी, वो SIP अब 7 जनवरी को कटेगी। मतलब इस महीने में आपका कोई भी अमाउंट नहीं कटेगा क्योंकि आप उसे स्किप कर रहे हैं। तो 7 जनवरी को, अगले महीने में 7 जनवरी को आपका अमाउंट कटेगा। तो इधर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें कन्फर्म मांगेगा गो इट, यानी स्किप इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी और 2 से 4 दिन के अंदर आपकी डेट चेंज हो जाएगी, आपका जो अमाउंट इस महीने कटना था वो स्किप हो जाएगा। तो इधर गो इट पे हम क्लिक कर देंगे, फिर इधर हमारी रिक्वेस्ट लग चुकी है। इधर देखेंगे स्किप इंस्टॉलमेंट इन प्रोग्रेस, 2 से 4 दिन में आपका डेट चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।